So let's start with lecture 22, and we are going to cover directive principles of state policy and fundamental duties. Okay, what are directive principles of state policy? होते क्या है ये, किसको मैं कहूंगी, what's the definition? Word बता रहा है अपने आप में, है ना? नहीं, not सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट को नहीं देगी. देखो डायरेक्टिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन देना, ये बताना कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत कह सकते हैं, है ना, ये बेसिकली सिद्धांत कहा जा सकता है प्रिंसिपल्स को. ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट से मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ स्टेट से मतलब है इस देश की सरकार, पार्लियामेंट. ठीक है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट एंड इंक्लूडिंग स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब सरकार इन टोटल मिला करके. ठीक है, पॉलिसी का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग, है ना. तो ये कह रहा है कि जब भी आप लॉ बनाओ, जब भी आप पॉलिसी बनाओ, तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है. ये ऐसी मैं डायरेक्शन आपको दे रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है. ठीक है, तो उनको कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के वक्त स्टेट को या सरकार को कुछ चीजें, कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने होंगे. ये डायरेक्शन हम स्टेट को देते हैं या सरकार को देते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 36 to 51. ठीक है, उसके बाद आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51 ए में है. ठीक है, ए से ध्यान रखना, इट्स कैपिटल ए, नॉट स्मॉल ए, उसमें भी फर्क है, सेक्शन और सबसेक्शन का फर्क होता है. ठीक है, तो 51A इज फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन, है ना, कि आपके कुछ मोरल ऑब्लिगेशन है, कुछ एथिकल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, ड्यूटीज है आपकी. ठीक है, ऑब्लिगेशन को ही कहा जाता है. ठीक है, और फंडामेंटल का मतलब बेसिक, फाउंडेशन, है ना, कि ये तो बेसिक सी ड्यूटीज है आपकी. ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी है. ठीक है, पहले नहीं थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इनकॉर्पोरेटेड की गई है. चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की. कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, 4. ठीक है, आर्टिकल्स मैंने आपको बताया 36 to 51. इसमें क्या लिखा हुआ, 36 to 51, वो 51A है, फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखे हुए हैं. ये क्यों लेकर के आए, ये डायरेक्शन क्यों दी कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को. ठीक है, सो दैट इट कैन ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री. ठीक है, सोशल का मतलब सामाजिक, समाज से जुड़ी हुई, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, है ना, पैसे से जुड़ी हुई, जस्टिस देना. ठीक, तो ये मकसद था. पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सिक्योर होते हैं फंडामेंटल राइट से, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलती है डीपीएसपी से, ये याद रखना. ठीक है, आफ्टर दैट ये कहते हैं कि इट एम्बॉडी द प्रिंसिपल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट. एक वेलफेयर स्टेट को ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है. ठीक है, हम पुलिस स्टेट नहीं है, हम वेलफेयर स्टेट है, तो उसके फीचर्स ऐसे ही होने चाहिए. तो इंडिया को ये क्या बनाएगा, वेलफेयर स्टेट बनाएगा और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देगा यहाँ के लोगों को. उसके बाद ये बेसिकली इन्फोर्सेबल नहीं है. इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली, है ना, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि जो डीपीएसपी में ऐसा लिखा है, पर जो हमारी गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कर रही, है ना, तो हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते. उसके बाद आर्टिकल 37 की भी एक डेफिनेशन है. आर्टिकल 37 कहता है कि बेसिकली दे आर द फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस, कि आपको अगर सरकार चलानी है, आपको गवर्नेंस देनी है इस कंट्री को, सो दीज आर द बेसिक्स, दीज आर द फंडामेंटल्स. ठीक, उसके बाद ग्रैनवेल ऑस्टिन का व्यू बताया गया है कि ये बेसिकली ये डीपीएसपी किस चीज में हेल्पफुल है, अचीविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स. प्रीएम्बल देखोगे ना, प्रीएम्बल पढ़ोगे तो उसमें ये इन शब्दों का भी मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल, ऐसा है ना. तो इनकी मदद से पॉलिटिकल जस्टिस तो हमें कैसे मिल रही है, फंडामेंटल राइट से मिल रही है, और इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस कहां से मिल रही है, डीपीएसपी से. ऑल्दो कुछ इकोनॉमिक एलिमेंट इसमें भी है,
कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं, बट लार्जली हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो हमें फंडामेंटल राइट से मिले, और इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस कहां से मिले? डीपीएसपी से मिले। ठीक है, तो अब थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, दो जो है जेनेसिस पहले कर लेते हैं। जेनेसिस का मतलब स्टार्ट कहां से हुई, बात ही कहां से आई कि डीपीएसपी होने चाहिए, बेसिकली कहां से इन्फ्लुएंस है। 1920 से हम ऐसी कोई बात करते आ रहे हैं, इनडायरेक्ट प्रिंसिपल से जुड़ी हुई बातें हम 1920 से करते आ रहे हैं। पहली बार कराची रेजोल्यूशन 1931 में ऐसा पता चला कि हमें बेसिकली कुछ सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर भी ध्यान देना चाहिए जो आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने। ठीक है, उसके बाद आती है सप्रू कमेटी 1945 में, उन्होंने रेकमेंड किया कि बेसिकली ना राइट्स को, जो हम राइट्स देने की बात करें सिटीजन को, उनको दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला तो पार्ट क्या होना चाहिए, जस्टिशिएबल, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा नॉन जस्टिशिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेपरेशन ऑफ राइट्स इनटू टू पार्ट्स, इन जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल, किसने रेकमेंड किया? सप्रू कमेटी। ठीक है, तो नॉन जस्टिशिएबल की हेडिंग में डीपीएसपीज आ गए। ये भी तो राइट है ना, हम सिटीजन सीख कर रहे हैं स्टेट से कि स्टेट को हमारे लिए ऐसा करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आपको अगर गवर्नेंस करनी है, आपको अगर सरकार चलानी है, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखो। ठीक है, ये और कहां बेसिकली मेंशन थे, इनसे सिमिलर चीजें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पता है आपको, उसमें एक एलिमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को गाइड करना कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए। ये भी तो वही है ना, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स। अभी हम उनको डायरेक्टिव बोलने लग गए, तो किससे सिमिलैरिटी है इनकी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्रीएम्बल के किससे है सरीना? प्रीएम्बल किससे मिलता जुलता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, और डीपीएसपी किससे रिलेटेड है, किससे मिलते जुलते? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहां है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? 1935 में। ठीक है, कहां से बोरो किए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहां से बोरो किया? हाँ, एग्जैक्टली, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, फीचर्स क्या है? पहला फीचर तो क्या है कि इनफोर्सिएबल नहीं है बट फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये बेसिकली वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन को लेकर फाउंडेशन डालते हैं वेलफेयर स्टेट की। उसके बाद डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, कि कोई लॉ बनाया और कोर्ट के सामने वो लॉ गया, उसको चैलेंज किया गया, अब कोर्ट के सामने क्या है उसको ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो कुछ चीजों को ध्यान में रख के ही कोर्ट बताएगी ना, सुप्रीम कोर्ट, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो ये वो एक एलिमेंट हो सकते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ध्यान में रखेगी बताते हुए कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि देखो अब आप किसी भी सरकार को ये डायरेक्शन देते हो कि आपको ये चीजें करनी है, आर्टिकल 36 से 51 तक जो चीजें वो आपको करनी है, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हर सरकार का मेन फोकस वही रहेगा, तो एक स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को ये सप्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं है, वो कहां मेंशन है? डीपीएसपी में मेंशन, तो दैट वे ये उनको सप्लीमेंट करते हैं, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक भी रखते हैं कि आप ये पॉलिसी इस तरह से इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीएम्बल में जो भी वैल्यूज दी गई हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और जो भी चीजें दी गई हैं प्रीएम्बल में, उनको एम्पलीफाई करते हैं, उनको और ज्यादा ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, उनको और ज्यादा इलेबोरेट करके बताते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में फिर क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो देखो सबको पता है कि वो क्या है, नेगेटिव राइट्स है, वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं कि आप इनकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीनेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं छीनेंगे, है ना, ये सारी चीजें कि आप ये नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, नेगेटिव राइट्स है, दे रिस्ट्रिक्ट स्टेट्स अथॉरिटी, है ना। और ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव राइट्स है, ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, हाँ क्या करना है, दे प्रोवाइड फॉर
और डिनाई नहीं करते आपको क्या नहीं करना, ऐसा तो नहीं बोलते ना, ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली इसलिए ये पॉजिटिव राइट्स। दूसरा, ये तो जस्टिशिएबल है, अंडर आर्टिकल 32 and 226 आप जा सकते हो कोर्ट, है ना, पर ये जस्टिशिएबल नहीं है। ये तो बस क्या है, गाइडिंग लाइट की तरह से काम करते हैं कि सरकार अपनी पॉलिसी इनको ध्यान में रखते हुए बनाए। इसके बाद ये नॉट नीड सेपरेट लेजिस्लेशन फॉर देयर इन्फोर्समेंट, इनको इन्फोर्स करने के लिए किसी अलग से कानून की आवश्यकता नहीं होती। फंडामेंटल राइट है तो है, कानून तो नहीं लेके आना पड़ता, कोई लॉ तो नहीं लेकर के आना पड़ता, है ना, पर इनको अगर आपको इफेक्ट देना है तो कोई लॉ लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फ्री लीगल एड उसके लिए नालसा आया है ना, तो बेसिकली इनके लिए लॉ लेकर के आना पड़ा है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं मोर ऑर लेस, है ना, ये सोशियो इकोनॉमिक एड्रेस करते हैं सिर्फ इश्यूज को। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स पे भी फोकस है, ये एज अ कलेक्टिव एंटायर कम्युनिटी हमें मिलते हैं, हाँ सब नागरिकों के लिए मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, ये पर्सनल भी तो है ना, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, तो ये इंडिविजुअल राइट्स के बारे में भी बात करते हैं, बट ये मोर और लेस इंटायर कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अब ये कह रहे हैं कि देखो स्टार्टिंग में तो बात की गई कि आप बेसिकली डीपीएसपी लगाओ, इंप्लीमेंट करो, इनको इन्फोर्सिएबल करने के लिए भी प्रोविजन लेकर के आओ। तो बेसिकली इनको नॉन जस्टिशिएबल करने के पीछे कुछ रीजंस थे कि इनको आप कोर्ट में नहीं जा सकते। पहला रीजन तो क्या था, फाइनेंशियल रीजन था सबसे पहला, कि देश के पास उस वक्त जब हमें फ्रीडम मिली इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम मशीनरी लेकर के आ सके इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, या इनको हम बेसिकली जस्टिशिएबल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, है ना। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, सोशल, डाइवर्सिटी है कंट्री में, किसी को कुछ चीज की नीड है, किसी को कुछ चीज की, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, तो डाइवर्सिटी भी एक रीजन है, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर भी एक रीजन है कि इनको नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, क्योंकि सबकी क्या है, सोशल नीड्स डिफरेंट है, सोशल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, तो किसी को भी जस्टिशिएबल बनाना उस वक्त उनको ठीक नहीं लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा ये भी सोशल हो गया, सोशल था, फाइनेंशियल था, एंड एक और कौन सा रीजन था, पॉलिटिकल रीजंस भी थे, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखें तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट थे, डीपीएसपीज में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी इसका एक रीजन थे। किसी ने कहा कि जस्टिशिएबल करो, किसी ने कहा कि नॉन जस्टिशिएबल रहने दो। ठीक है, तो इसी वक्त इसीलिए इनको नॉन जस्टिशिएबल रखा गया। ठीक है, पॉलिटिकल कर लेना इसको। चलिए आर्टिकल 36 के बारे में बात करते हैं। आपको आर्टिकल 12 याद है, आर्टिकल 12 में क्या बताया था मैंने, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया था कि स्टेट किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहां भी सेम आर्टिकल 36 बोलता है कि यहां भी स्टेट वही होगी जो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 में है, पार्ट 3 में है, तो यहां भी क्या होगा, सेम मतलब होगा स्टेट का। ठीक है, चलिए 37 बोलता है कि एक तो जो इस पार्ट में, पार्ट 4 में जो भी प्रोविजंस होंगे दे विल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरा क्या है, बट स्टिल दे विल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री एंड स्टेट की ड्यूटी है ये इनको अप्लाई करना व्हाइल मेकिंग द लॉज। ठीक है, लॉ बनाते टाइम इनको इंप्लीमेंट करना स्टेट की ड्यूटी है ना, पर इन्फोर्सिएबल तो नहीं है, है ना, जस्टिशिएबल तो नहीं है कि इन्फोर्स नहीं कर सकते आप उनके ऊपर, ये नहीं कह सकते कि जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी अगर हम पूरी नहीं करें तो कोई कोर्ट थोड़ी जा सकता है। आप अभी पढ़ोगे बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी जो हम पूरी नहीं करते, है ना, तो ये भी स्टेट की ड्यूटी की तरह ही है, इसीलिए इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जस्टिशिएबल नहीं है। अब ना ये मोटी सी क्लासिफिकेशन कर दी फंडामेंटल, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, ऑल्दो ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये तो हमने अपनी ईज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इसको बेसिकली क्लासिफाई कर लिया। किस में क्लासिफाई किया, पहला तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है,
सोशलिस्ट प्रिंसिपल का सबसे पहला फीचर होता है कि वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना है ना। दूसरा प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल्स है ना, कि जो महात्मा गांधी ने विजन देखा था इस देश के लिए, जो उससे मिलते जुलते डीपीएसपीज हैं, उनको गांधीयन प्रिंसिपल्स कहा गया। अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरी कैटेगरी लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, कि आसपास हमने देखा वर्ल्ड के एडवांस लोग क्या कर रहे हैं है ना, और लिबरल सोच हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी, तो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रोविजंस को अलग से कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल्स हैं जो आपकी इन क्लासिफिकेशन में फिट बैठते हैं कि ये वाले सोशलिस्ट हैं, ये वाले गांधीयन हैं, और ये वाले लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, वो से कहते हैं शानी समझदार लोगों के काम, ये वो है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। अब आगे बढ़ेंगे, ये लर्न करने हैं आपको कौन सी कैटेगरी में कौन सा आएगा। वैसे आप समझ जाओगे, जैसे पंचायत, ये विजन किसका था, कॉटेज इंडस्ट्री किसका था, गांधी, आपको समझ आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड मॉडर्न सी सोच लग रही है ना, तो ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल में आएगा। तो आप अपने आप क्लासिफाई कर लोगे इसको, ठीक है, जब आप उनको समझोगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की। इसमें सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 36, 37 हमने कर लिया। 36 में तो डेफिनेशन, 37 बोलता है एनफोर्सिएबल नहीं होंगे बट ड्यूटी होगी और फंडामेंटल है ये गवर्नेंस के लिए। 38 बोलता है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे और फिर क्या करेंगे, लोगों का वेलफेयर करने की इच्छा रखते हैं ताकि उनको जस्टिस मिल सके। कैसे, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और दूसरा हमारा टारगेट क्या रहेगा, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। ठीक है, इस देश में इनइक्वालिटीज कम हो ऐसा हमारा टारगेट रहेगा। कैसे, इनकम से रिलेटेड इनइक्वालिटी, स्टेटस से, फैसिलिटीज से, अपॉर्चुनिटीज से। ठीक है, तो लोगों को अनइक्वल नहीं रहने देंगे, स्टेटस अनइक्वल नहीं होगा किसी का, इनकम में कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई किसी न किसी मीन से अर्न करे, है ना। देन ये जो बेसिकली फीचर था ये ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आगे मैं अमेंडमेंट सारी कराऊंगी कि फंडामेंटल इसमें डीपीएसपी में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 39। अब देखो याद करने की बात है, 9 को उल्टा कर दो 6 बन जाएगा, तो 6 चीजों का मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। पहली तो क्या, सबको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दिया जाएगा, मेन एंड वुमेन इक्वली, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसी को कहते हैं, है ना। तो ये कह रहा है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसके लिए एग्जांपल बता सकते हो, गवर्नमेंट क्या लेकर के आई, मनरेगा, है ना। फिर दूसरा बोलता है कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मैंने बताया 39B एंड 39C हमने जिक्र किया था जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे। तो बी क्या कहता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज की ऑनरशिप होगी वो कलेक्टिवली सोसाइटी के पास होगी, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी। ठीक है, और उनको कहां, कॉमन गुड के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उनका मटेरियल रिसोर्सेज का। देन ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम को कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की तरफ नहीं ले जाएंगे, है ना, एक जगह पे पैसा नहीं, इसीलिए जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, ये भी तो इसी का फीचर है ना। जिसकी कम इनकम है उसके लिए टैक्स कम है, है ना, कुछ को तो बिल्कुल नहीं देना पड़ता कि एक सर्टन जो है वो ब्रैकेट के नीचे आप टैक्स नहीं पे करेंगे, है ना। तो बेसिकली 21 में इससे रिलेटेड पूछा भी गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, ये डी पार्ट है इसका। ई है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में एड किया गया। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 39A, कैपिटल ए है ये याद रखना। ठीक है, 39A, तो ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इसी के लिए नालसा आया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, ये भी किससे ऐड हुआ, 42nd। हम 42nd अलग से करेंगे, 42nd में कौन कौन से डीपीएसपी आई, 44th में कौन सी आई, फिर 86 में ऐड। 41 बोलता है राइट टू वर्क, आपको काम करने का अधिकार होगा, आप काम जब सीख करना चाहेंगे तो आपको काम मिलेगा, मनरेगा, है ना। एंड एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस,
इन इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, एंड ओल्ड एज एंड सिकनेस, बीमार होगे तब भी स्टेट कोई प्रोविजन लेकर के आएगी, और आप बूढ़े हो जाओगे तो भी स्टेट आप बुढ़ापा पेंशन है ना, एग्जैक्टली है ना। तो बेसिकली आर्टिकल 41 बोलता है, 41 को कैसे याद करोगे, वन है ना, इट फील्स लाइक अ स्टिक, आपसे चला नहीं जा रहा, सिख हो बूढ़े हो ओल्ड एज है तो आप पकड़ के चलोगे ना लाठी, सो इसको ऐसे याद रखना है 41 को, ठीक है। बाकी का देख लेना भाई 39 क्या होता है, मतलब जिनका याद आता जाएगा, जिनका मेरा लग रहा है लॉजिक में लगा दूंगी। 42 पहले 20 देखो ये कह रहा है ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, आपको काम करने की कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड कराई जाएंगी जो इंसानियत के नाते ठीक रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आपसे मशीन की तरह काम कराया जाएगा, और वुमेन को क्या मिलेगा, मेटर्निटी रिलीफ मिलेगा, उनको जॉब लॉस ना हो उस टाइम पे। बेसिकली क्या है कि अभी देखो प्राइमरी केयर गिवर तो अभी अब तक देखें तो हम मदर ही होती है, तो उसको जॉब लॉस ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेटर्निटी रिलीफ, मेटर्निटी पेड लीव मिलेगी आपको, सैलरी आएगी बट यू विल बी ऑन लीव, इवन चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, तो वो बेसिकली आर्टिकल 42 बोलता है, ठीक है। इसके बाद 43 लिविंग वेजेस, अच्छा इस पे लिखो आप, एक होता है मिनिमम वेजेस, एक होता है फ्लोर वेजेस, एक होता है लिविंग वेजेस, तीनों में डिफरेंस पता करके आएंगे आप, यही ना कॉर्नर पे लिख लिया करो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, अच्छा पढ़ाया आपने, ठीक है। तो फिर भी एक जगह पे नोट कर देना इन सबको कि तीनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। और डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ दिए जाएगा एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। उसके बाद आता है 43A, जहां पर भी ये ए करके एडिशन ये तो पता चल गया बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। 43A क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। 47 क्या बोलता है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक। तो ये थे आपके बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब आएंगे आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल में ये कहता है, सबसे पहला तो आर्टिकल 40, ये गोल दायरे में कुछ लोग बैठे हुए कहां, पंचायत में, ठीक। आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत, ठीक है, और उनको नेसेसरी अथॉरिटी दी जाएंगी फॉर सेल्फ गवर्नेंस, ठीक। 43 बोलता है कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन किया जाएगा और लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। 43B क्या कहता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिकली एंड विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। 46 क्या कहता है, एससीज एंड एसटीज के लिए जो है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल गोल्स, ठीक है, और उनको सेफ गार्ड किया जाएगा अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। 47 हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एल्कोहल एंड बेवरेज, इनको कंट्रोल किया जाएगा, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। एंड 48 क्या कहता है, स्लॉटर ऑफ काउस काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल्स, इनको इनको स्लॉटर मतलब काटा नहीं जाएगा और इनकी ब्रीड को इंप्रूव किया जाएगा। ये इसका मेंशन आप ना इसे मिलती जुलती चीज का मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखोगे, इंडिजीनियस ब्रीड्स को बेसिकली हमें कंजर्व करना चाहिए। तो ये देखना किन एनिमल्स का नाम लिया है इसमें, ये चीजें डिटेल में। तो ये थे गांधीयन प्रिंसिपल। अपार्ट फ्रॉम दैट लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, सबसे पहले आर्टिकल 44 एक जैसा ना, यूनिफॉर्म सेम, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 क्या बोलता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन जब तक कि वह 6 साल के नहीं हो जाते। सेम चीज कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन है, ठीक है। एज का डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट क्या कहता है, कितनी एज के बच्चों का
का एजुकेशन जो है वो 21A क्या बोलता है? एग्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 0 से 6 इयर्स के बच्चों को उसके पेरेंट्स को स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है, ये उनके उनको एजुकेशन दिलाना उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डीपीएसपी भी कितनी एज के बच्चों की बात कर रहा है, 6 इयर्स, ठीक है। ये कब आया? 86 से जब आरटीई आया है ना, राइट टू एजुकेशन आया, तभी वो 21A ऐड हुआ, उसी में फिर लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई। तो 86 ने बेसिकली तीनों जगह पे चेंज किया, फंडामेंटल राइट में भी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी एंड डीपीएसपी में भी, ठीक है। 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन पर चलाई जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, उनको बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाएगा। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? मध्यस्थता, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डीपीएसपी के आर्टिकल्स थे। चलिए अब ये अमेंडमेंट्स डीपीएसपी में कहां से क्या क्या आई है, सबसे पहले तो बात कर लेंगे 42 की। 42 ने क्या क्या ऐड किया? आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड आया, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आया, देन 48A एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, ठीक है। ये 42 से ऐड हुआ। फिर आता है 44, उसने आर्टिकल 38 को ऐड किया, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ठीक है। देन 86 आया, उसमें मैंने आपको बताया दिया था 45, ठीक है, 4 and 5 9 9 को डगरो 6 साल के बच्चे, ठीक है। देन आपका 97 से क्या आया? 43 भी, क्योंकि तब कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुई। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ोगे ना तब पढ़ोगे आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए अब कहता है कि देखो सेम से राइट, फंडामेंटल राइट भी है फिर डीपीएसपी भी आपके राइट है, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि फंडामेंटल राइट कुछ बोल रहा है और डीपीएसपी कुछ बोल रहा है तो किसकी बात सुनी जाएगी? चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेवल ऑस्टिन ने क्या कहा, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको? इन दोनों को, फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को, ठीक है। तो इन्होंने, हम इसको मानते हैं फिलोसफी एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 32, ठीक है। तो पहला केस आता है इसमें स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, वो सब्सिडरी है, छोटे हैं, किससे? फंडामेंटल राइट से। तो अगर दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों अलग अलग बातें बोलते, तो किसकी बात सुनी जाएगी? जो फंडामेंटल राइट में लिखा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी तो सब्सिडरी है उनके, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल। दूसरा केस फिर आता है केरला एजुकेशन बिल केस 1958। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ना कैनॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, ये तो बात सच है कि वो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर नहीं हो सकते, बट इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जब किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हम जो है वो बेसिकली देख रहे हो, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू, ठीक है। तो इसमें कहा कि देखो कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, बट फंडामेंटल राइट्स तो प्रिवेल करेंगे ही, तो हमें बेसिकली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पर पहुंचना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है सबसे मेजर केस, दैट इज योर गोलकनाथ केस। तो ये कह रहा है कि बेसिकली ना पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती किसी भी इंसान के, तो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर सकते टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी, और उनको छीन तो बिल्कुल ही नहीं सकते। देन पार्लियामेंट ने क्या इनेक्ट किया? 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
ठीक है, उसने कहा हम तो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, है ना। तो वो लेकर के आया आर्टिकल 31C 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो जब भी हम इंप्लीमेंट करेंगे 39B एंड 39C, ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते ऑन बेसिस ऑफ कि हमारा आर्टिकल 14, 19 एंड 31, ऑल द 31 तो अब है ही नहीं, ठीक है, 14 एंड 19 वायलेट हो गया। तो ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट पे ये दोनों डीपीएसपी प्रिवेल करेंगी, इन जनरल फंडामेंटल राइट ऊपर रहेंगे, बट अगर आ जाते हैं 39B एंड 39C तो आपके दो फंडामेंटल राइट नीचे चले जाएंगे, दैट इज 14 एंड 19, ठीक है। फिर आता आपका केशवानंद भारती केस, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, और ऊपर से क्या कह रहे हैं कि देखो जी ये तो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप उसको नहीं ला सकते, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया ना, है ना, तो फंडामेंटल राइट। और इन्होंने क्या कहा था, बेसिकली 31C जब लेकर के आए ना ये, तो इन्होंने कहा कि देखो एक तो बात ये है कि 39B एंड 39C ऊपर रहेंगे 14 एंड 19 से, ऊपर से आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इसके दूसरे पार्ट पर ऑब्जेक्शन दिखाया कि आपका बेसिकली कोर्ट में जाना तो आपका फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं हिला सकते आप, और उन्होंने प्रोविजन दिए बेसिकली, हाँ आप अमेंड कर सकते हो 31C को ऊपर रख सकते, बेसिकली 39B और C को ऊपर रख सकते हो 14 19 से, पर आपकी दूसरी बात गलत है कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक फीचर है ना। अब आता है आपका अगला केस, दैट इज फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आए। उन्होंने कहा कि अब तक तो हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि 39B और 39C ऊपर रहेंगे, आपके फंडामेंटल राइट ऑफ 14 और 19 से अब सारे डीपीएसपी ऊपर रहेंगे, फंडामेंटल राइट 14 और 19 के ऊपर, ठीक है। अब मिनरवा मिल केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नहीं सारे के सारे नहीं होंगे, ठीक है, डीपीएसपी को फिर से कैसा स्टेटस दे दिया, सबॉर्डिनेट स्टेटस दे दिया, ठीक है। आर्टिकल 49 आर सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन 39B एंड सी, इसको इतना ही रखें, सारे डीपीएसपी को ऊपर नहीं लेकर के जाना। सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस पे फाउंडेड है, बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में हार्मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट के लिए तो आसान है ना कि डीपीएसपी दिखा करके आप कोई भी लॉ लेकर के आओ और फिर कह दो कि सारे फंडामेंटल राइट तो नीचे हैं आपके 14 और 19, डीपीएसपी ऊपर रहेंगे, और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो यहीं तक रखो कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 को छोड़ा जा सकता है, सब पे एप्लीकेबल मत करो। अभी करंट पोजीशन क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है, करंट पोजीशन है कि बेसिकली रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज दैट द पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है सभी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की और इंप्लीमेंट करने की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, एज लॉन्ग एज ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता जाता है, दोनों के बीच का बैलेंस, ठीक है, कि दोनों जो है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल सॉरी ये डीपीएसपी के बैलेंस के बेडरॉक पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ टाइम टू टाइम वो बोले कि जी अभी इतना बता रहे हैं, टाइम टू टाइम बताते रहेंगे आपको व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको कहीं लिस्ट दी नहीं है ना कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए फिर इससे पहले आप बेसिकली फीचर्स लिख लो डीपीएसपी के, आपके पास जो नोट्स आए हैं उनमें क्या क्या है, एक तो मैंने इंप्लीमेंटेशन दिया है कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा डीपीएसपी को, दूसरा लिमिटेशन क्या है, इनका क्रिटिसिज्म क्या है ना, फीचर्स लिखो। नंबर वन, दीज आर द आइडियल्स
दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड, दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज. ठीक है, दीज आर द आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज. नंबर टू, दे आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन विच इन टर्न बोरोड देम फ्रॉम स्पैनिश कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर थ्री, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉल्ड देम the novel features of the novel, novel means new, novel features of Indian constitution. They formulate economic, social and political program. They formulate economic, social and political program for modern democracies. Number five, they lay the foundation of welfare state. ठीक है, तो देखो कुछ डायरेक्टिव तो ये दे दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट फोर भी है. ठीक है, लिखो डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट फोर. ये जो पेज है ना, इसको चिपका लेना अपने नोटबुक में जहां नोट्स बनाते हो. डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट फोर, फोर को रोमन में लिखना है, पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट रोमन में ही लिखे जाते हैं. नंबर वन, claims of SC and STs, claims of SCs and STs to services. Article 335 in part 16 भी रोमन में. ठीक है, तो पार्ट 16 में आर्टिकल 335 में ये दे रखा है. ये भी डीपीएसपी से मिलता जुलता है, डायरेक्टिव ही है. नंबर टू, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग Article 350A is capital in part 17. Number 3, development of Hindi language. Development of Hindi language is the duty of Union Government. Article 351, Part 17.
आर्टिकल 351 पार्ट 17। कुछ होमवर्क है, लिख लो इसको और ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। राइट इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ, राइट इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट, नंबर वन है ये। नंबर टू, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। नंबर वन फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट्स, नंबर टू फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज, नंबर थ्री फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्बल, इनका रिलेशन पता करना है। ठीक है, और एक आर्टिकल में भेजूंगी, लिख लो ये भी, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल आपके पास ग्रुप में आ जाएगा आज, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। मेंस के प्रस्पेक्टिव से भी तो करते चलेंगे ना। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेते हैं। पार्ट कौन सा है? 4A, ठीक है। आर्टिकल फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? बेसिक, ठीक है। एंड ड्यूटीज का मतलब मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो हम उसको ड्यूटी कहते हैं। हमने ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से इंस्पायर्ड है, हमने कहां से इंस्पिरेशन ली? हाँ, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आई कब क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं, बाद में ऐड हुई, जो कि आपका पार्ट बता रहा है। कब ऐड हुई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। रिकमेंड किसने किया? स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है। ये याद रखना है, इमरजेंसी लगी ना 75 से 77, तो उसमें नीड फील हुई यार कुछ राइट के साथ साथ लोगों की ड्यूटीज भी होनी चाहिए, तो स्वर्ण सिंह कमेटी आई और उसने कुछ रिकमेंडेशन दी जो इनकॉर्पोरेट हुई। पर यू की यू नहीं हुई, एक लाइन लिखो। इट सजेस्टेड एट स्वर्ण सिंह कमेटी लिख लो। इट सजेस्टेड एट ड्यूटीज, इट सजेस्टेड एट ड्यूटीज but in constitution 10 duties were incorporated, incorporated. One more duty was added by 86th Constitution Amendment Act 2002. 86th Constitution Amendment Act 2002. ठीक? Education provide कराना वो, हाँ। Although some recommendations were not accepted, like number one, penalty for non-fulfillment of duty. ठीक। नंबर टू, नो लॉ इंपोजिंग द पेनल्टी, नो लॉ इंपोजिंग द पेनल्टी कैन बी क्वेश्चन
कैन बी क्वेश्चन्ड इन एनी कोर्ट। cannot be questioned in any court. Number three, duty to pay tax. Duty to pay tax should be listed as fundamental duty. तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने आठ fundamental duties बताई और साथ में ये बातें भी बोली कि क्या अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी ना निभाए उसको उसको पेनल्टी लगाओ, और वो जो पेनल्टी वाला लॉ है वो किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी, ड्यूटी टू पे टैक्स क्या होनी चाहिए, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। ऑल दो ये तीन रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई, ठीक है, उन आठ को ऐड किया गया प्लस एक और ऐड, दो और ऐड की थी, फिर 86 में एक और आ गई, ठीक है। तो बेसिकली फीचर्स उसमें आप बाद में ऐड करेंगे, ओरिजिनली 10 इन नंबर, अभी वन मोर एडेड बाय 86, ठीक है। ये बेसिकली लाइक डीपीएसपीज, ये भी नॉन जस्टिशिएबल। अब मैं कोर्ट में नहीं जा सकती कि सरीना ने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पूरी करी, सरीना को पनिश करो, है ना। ऑल्दो कुछ को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लॉज आए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज। पहली बात तो ये, दे आर द कांस्टेंट रिमाइंडर फॉर डेमोक्रेटिक कंडक्ट, कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा कंडक्ट भी वैसा होना चाहिए। तो ये सिटीजन को क्या करती है, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराती रहती है कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है स्टेट को लेकर के। नेक्स्ट, वार्निंग टू द पीपल अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, है ना, बार बार ध्यान तो आएगा ना कि एक्टिविटी में नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फंडामेंटल ड्यूटी कुछ और कहती है, है ना। नंबर थ्री, सेंस ऑफ डिसिप्लिन इंकल्केट करता है और कमिटमेंट टुवर्ड्स अवर कंट्री। देन फोर्थ, हेल्प डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, कि इसकी लाइट में भी देखा जा सकता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ठीक है। पीपीटी आ जाएगी ग्रुप में, डोंट वरी। फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। हालांकि मॉरल ऑब्लिगेशन तो है, गाइडिंग प्रिंसिपल तो है सिटीजन के लिए, पर कोर्ट नहीं जाया जा सकता इनको लेकर के। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि सिटीजन पर ही नहीं नॉन सिटीजन पर भी एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम, वो थोड़ी ना इंसल्ट कर सकते कि मैं तो देश का नहीं हूं तो वाई शुड आई रिस्पेक्ट, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इनका स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी कहां तक है, सिटीजन प्लस फॉरनर्स दोनों। थर्ड, वेरियस सोर्सेस से लिया गया है, सोवियत यूनियन पहला सोर्स है, दूसरा महात्मा गांधी का भी कुछ विजन था उनको लेकर के, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, ब्लेंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल वैल्यूज। दूसरा क्या है, डायरेक्टिव इन नेचर, मॉरल कंपस की तरह से काम करते हैं कि सिटीजन को कैसे काम करना चाहिए, सिटीजन को अच्छा सिटीजन कैसे होना चाहिए। दूसरा, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज, इंडियन वैल्यूज जो थी उनको कोडिफाई कर दिया गया है, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पौधों और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ये हमारे शास्त्र भी तो सिखाते थे हमें, तो उन्हीं वैल्यूज को क्या कर दिया है, कोड की फॉर्म में आपके सामने लाके रख दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉरल एंड सिविक तरह की ड्यूटीज है, कुछ मॉरल ड्यूटीज है जो आपको करनी चाहिए। मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक है, सिविक का मतलब अच्छे सिटीजन को जो करना चाहिए, ठीक है। मॉरल ड्यूटी का जैसे नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करना, ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है ना। ऑल्दो मतलब भगत सिंह तो आकर के नहीं कह रहे कि मेरे रिस्पेक्ट करो, बट हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है उनको रिस्पेक्ट करना, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है उनको रिस्पेक्ट करना हमारी मॉरल ड्यूटीज है। सिविक ड्यूटी कौन सी हो सकती है, जैसे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, अच्छे सिटीजन को ऐसा करना चाहिए, है ना। हाँ, है ना, तो कुछ मॉरल है और कुछ सिविक। ये है आपके सामने लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज की। पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, लर्न होनी चाहिए, वैसे भी लर्न होनी चाहिए और वैसे भी लर्न होनी चाहिए पेपर के हिसाब से भी, और बीइंग अ सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए कि दिस इज माय ड्यूटी। पहली क्या है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, संविधान को फॉलो करूंगा, अबाइड करूंगा उसके प्रिंसिपल्स को, ठीक है। और आई विल रिस्पेक्ट ideals and institution like national flag, national anthem. ये याद रखिए ना, national song नहीं है इसमें, national flag और anthem की बात की गई, ठीक है। इन सबको
रिस्पेक्ट करूंगा जो आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन है मेरे देश के. दूसरा, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. वो वैल्यूज, वो आइडियल्स जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को इंस्पायर किया, मैं उनको चेरिश करूंगा. ठीक. थर्ड, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री, है ना, इंडिया. देन द डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. अपनी अपनी कैपेसिटी में हमें क्या करना है, इस देश को डिफेंड करना है, है ना. अब डिफेंड करने में बहुत सारी चीजें आ जाती है. डिफेंड करना सिर्फ बॉर्डर पे डिफेंड करना नहीं होता. एग्जैक्टली. ये कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके देश के लिए हितकारी नहीं है, आप उसको होने से रोकते हो, यू आर डिफेंडिंग योर कंट्री, है ना. और जब भी मुझे बुलाया जाएगा देश सेवा के लिए, आई विल बी देयर, है ना. उस वक्त ये नहीं कह सकते जी मैं फौज में थोड़ी हूं तो मुझे क्यों बुला रहे हो. सपोज वॉर हो जाए, उसमें लिखा है ना कि जब बुलाया जाएगा सर्विसेज में आपको आना पड़ेगा और बदले में आप पैसे भी नहीं मांगोगे. फंडामेंटल राइट में बोला ना कि जब देश चाहेगा तो आपको बुला सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करा सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ ऐसा हो जाए तो. प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपस में मिलजुल के रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, है ना. लिंग्विस्टिक, रिलीजन या सेक्शनल डाइवर्सिटी को बेसिकली हम रिस्पेक्ट करेंगे और ऐसी सारी प्रथाओं को जो कि वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ हैं, उनको छोड़ देंगे, है ना. फॉर एग्जांपल सती प्रथा, है ना, दहेज प्रथा, है ना. तो ऐसी सारी प्रथाएं जो वुमेन को उसकी डिग्निटी से बेसिकली स्ट्रिप ऑफ करती है, तो हम उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसी प्रैक्टिसेस को. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ दिस कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, हम उसको क्या करके रखेंगे, कंजर्व करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे. प्रोटेक्ट इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, कर कहां रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को तो हम और गंदा कर रहे हैं, जबकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना. ठीक है, इसमें क्या, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, इन सबको कंजर्व करना और लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन रखना. जो भी मुर्गे खाता है छोड़ दो. तो जिंदा चीजें जो है उनके लिए मैं कंपैशन रखूंगा, अपने दिल में सहानुभूति रखूंगा या रखूंगी. ठीक है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. मैं अपने अंदर कैसी हैबिट रखने की कोशिश करूंगा या करूंगी, साइंटिफिक सोच और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, किसी भी चीज की तह तक जाना, सिर्फ ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोला और मान लिया, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और अगर कुछ गलत है तो उसको रिफॉर्म करने का. ठीक है. और ह्यूमनिज्म, मानवता. पब्लिक प्रॉपर्टी को मैं सेफगार्ड करूंगा और वायलेंस नहीं. दूसरा, एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करूंगा और स्फीयर में, जहां भी जो भी काम करो उसमें एक्सीलेंस अचीव करनी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है. माँ बाप के लिए नहीं करना, देश के लिए भी करना, क्योंकि तुम सारे ही अगर अपनी अपनी फील्ड में एक्सीलेंस पर जाओगे तो देश अपने आप ग्रो करेगा, है ना, क्योंकि उसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी तो है ना, ड्यूटी तो है. देन कलेक्टिव एक्टिविटीज, इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स. देन लास्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड, अपने अपने बच्चों को क्या करेंगे, बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14, 86 से ऐड हुआ ये, शिक्षा का अधिकार देंगे. 6 to 14, 0 to 6 इज योर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस. ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेटेड ड्यूटी में कर दिया. हाँ, अरे हाँ, 6 to 14, इसको चेंज कर लेना. ठीक है, चेंज कर लेना कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे. ये ड्यूटी है हर एक पेरेंट की. चलिए, अब ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के, क्या स्टेटस है, क्या बात.
सबसे पहला केस आता है रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003 में। तो ये कहता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भले ही इन्फोर्सेबल नहीं हो लीगल सेंक्शन के द्वारा, बट दे आर सोशल सेंक्शन के द्वारा आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस है। दूसरा कहता है, दूसरा केस है एम्स स्टूडेंट वर्सेस एम्स 2001, स्टूडेंट यूनियन का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आपके फंडामेंटल राइट जितनी है ना, आप बिना ड्यूटी बिना ऑब्लिगेशन के राइट सीख करना मॉरली तो सही नहीं है। देन दे आर नॉट इन्फोर्सेबल लाइक फंडामेंटल राइट्स, बट दे कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, ठीक है, इनको नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। दे आर प्रिफिक्स्ड बाय सेम वर्ड फंडामेंटल, है ना, इनके आगे भी सेम वर्ड है फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट, क्रशियल, बेसिक, है ना, जो कि राइट के आगे जुड़ा हुआ पार्ट थ्री में, है ना। जब हम राइट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो ड्यूटीज को क्यों नहीं देते, ये बात। ओके, तो फंडामेंटल वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन लिखवा देती हूं तुम्हें, लिखो वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन। नंबर वन, सॉरी पहले एक लाइन लिख लो, दिस कमेटी आइडेंटिफाइड, दिस कमेटी आइडेंटिफाइड लीगल प्रोविजंस legal provisions which are existing for implementation of some fundamental duties. नंबर वन, नंबर वन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ठीक है। ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स कर रहा है कि हमें नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है ना, उसको इन्फोर्स करने के लिए लीगल प्रोविजन है। नंबर टू, Various criminal laws provided for punishment for encouraging enmity between different sections of society. Number three, the Prevention of Civil Rights Act 1955. ठीक है, अनटचेबिलिटी वगैरह को के लिए। फोर, आईपीसी, अभी इसको लिखो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता।
भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, ये भी तो क्रिमिनल ऑफेंसेस को लिस्ट करती है ना। 5 UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, अगर देश की यूनिटी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को आप वायलेट करोगे तो। देन 6 RPA 1951 जो करप्ट प्रैक्टिसेस बताता है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो ये सारे कैसे है? जैसे बोला ना स्लॉटर नहीं करना है एनिमल्स को, तो उनके प्रिवेंशन के लिए एंडेंजर्ड स्पीसीज में ट्रेड नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपका आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ट्रेड इसीलिए तो होती थी ना, जनरली तो स्लॉटर के लिए ही होती है ना। तो उसमें प्रिवेंशन है ना कि आप ट्रेड नहीं करोगे कुछ रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज में। जनरली कईयों को तो फ्लैश और उसके लिए किया जाता है ट्रेड, है ना, कईयों की मतलब वो जो वो होते हैं इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होती है तो इसलिए मार देते थे। हाँ एग्जैक्टली, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो उनको जो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स में रख दिया गया कि ये रेयर एनिमल है, एंडेंजर्ड है, आप इनको जो है वो ट्रेड नहीं करोगे इनमें। तो इससे क्या प्रिवेंशन हो गया, स्लॉटर भी प्रिवेंशन हो गया, उनको कंजर्वेशन भी हो गया, है ना, जो आपके बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज में था। तो कुछ एक्ट भी आए जिन्होंने बेसिकली प्रमोट किया इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, या इनके लिए कुछ सैंक्शंस या लीगल प्रोविजंस आए, ठीक है। तो अच्छा ये लिख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने बोल दिया था ना लिखने के लिए, इसके लिए आर्टिकल में भेजूंगी, ठीक है। अच्छा इसको लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेते हैं, ये वाली ना लास्ट वाली 6-14। देखो ये ऐसे इसको लर्न कर लो किसी भी तरीके से कर लो, है ना। आर्टिकल 21A कहता है 6-14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है, और हर माँ बाप की ड्यूटी भी होगी वो कि हम फ्री में दे रहे। अब इसको ऐसे याद रह लेना, हम 6-14 साल वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे, प्लीज उनको स्कूल में भेजो, तो माँ बाप की ड्यूटी भी बना दे कि उनको भेजेंगे ही नहीं तो हम कैसे फ्री देंगे, है ना। और अर्ली चाइल्डहुड केयर आंगनवाड़ी जैसे हो गए, तो ये किसके अंडर आता है, डीपीएसपी, ठीक है। चलिए ये टेस्ट में आना है आपके, ठीक है। नहीं ये लॉज है बेसिकली, नहीं बॉडी नहीं होती। देखो बीएनएस इज एक किताब समझो इसको, ठीक है, इसने देश का कानून बनाया। दो तरह के कानून हो सकते हैं ना, सिविल हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉ के लिए 3 एक्ट है बेसिकली, ठीक है। पहला एक्ट है आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ये आपको बताएगा कि इस देश में आप क्या करोगे तो वो ऑफेंस कहलाएगा। ऑफेंस क्यों होता है, और ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होती है, ठीक है। तो क्या चीजें होंगी जो ऑफेंस कहलाएंगी, वो डेफिनेशन देता है बीएनएस। फिर दूसरा आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको बीएनएसएस बोलते हैं, ये बताता है कि फिर आपने चलो ऑफेंस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल चोरी ना करना, चोरी करना ऑफेंस है, किसी की हत्या करना ऑफेंस, ठीक है। तो अब उसमें ऑफेंस लिस्ट कर दिया कि क्या क्या करोगे तो ऑफेंस बन जाएगा, पर आपने अगर वो ऑफेंस कर दिया तो आपको सजा किस तरीके से होगी वो बीएनएस बताएगा। फिर तीसरा क्रिमिनल लॉ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था पहले, ठीक। तो 3 एक्ट को क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है, बाकी आपका सीपीसी होगा, वो सारे क्या है, सिविल लॉज। तो बताना तो पड़ेगा ना कि किसको ऑफेंस कहेंगे, कोडिफिकेशन तो जरूरी है, वरना तो फिर वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन चले या पुलिस के डिस्क्रिप्शन चले,
कि किसको क्रिमिनल ऑफेंस में डालना है, किसको सिविल में डालना है। अब कोई इंसान मार दे तो कह दे कि जी इसका ऑफेंस नहीं है, पर ये करेगा तो ऑफेंस है ना। तो कोडिफिकेशन जरूरी है कि कोई भी करे। और कई सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि मर्डर करना भी अलाउड होता है ना, सेल्फ डिफेंस। तो ये सिचुएशन को भी अलग अलग करके दिखाना बहुत जरूरी है कि आपने ऐसे किया तो इतने साल की होगी, ऐसे किया प्रोसीजर कैसे कैसे होगा, कि कैसे आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, कैसे कोर्ट में ट्रायल होगा, कैसे सारी बातें जाएंगी। तो वो सीआरपीसी या बीएएनएसएस में होता है। एविडेंस कौन से एप्लीकेबल होंगे, कौन से को रिजेक्ट किया जाएगा, ये सारा एविडेंस एक्ट में लिखा होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।